दोस्तों, किसी भी इंसान के साथ शादी जैसा फैसला सोच समझ कर करना चाहिए, वरना जिंदगी में कई बार ऐसा तूफान आ जाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। यूपी पुलिस की एक लेडी सिंघम डीएसपी के साथ जो हुआ वह सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि शादी के नाम पर उनके साथ ऐसा हुआ जो हैरान कर गया। दरअसल डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर की गिनती एक जाबाज महिला ऑफिसर के तौर पर होती है। साल 2018 में उनकी शादी बिहार के रहने वाले रोहित के साथ होती है। रोहित ने खुद को आईआरएस अफसर बताया था। शादी के बाद वह श्रेष्ठा के लाखों रुपए उड़ाने लगता है। इतना ही नहीं, उसने पत्नी के नाम पर कई लोगों को चूना भी लगा दिया। वक्त के साथ यह सच्चाई खुल गई कि रोहित वास्तव में कोई अफसर नहीं है, बल्कि शादी के लिए उसने झूठ का ड्रामा किया था। ऐसी सच्चाई और अनबन के बाद महिला डीएसपी ने उससे तलाक ले लिया, लेकिन हैरानी तब हुई जब इसके बाद भी वह उनके नाम और पद का दुरुपयोग करने लगा। इस पर डीएसपी ने सबक सिखाने की ठान ली और एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके बाद रोहित को सलाखों के पीछे भेज दिया गया।